ठीक है, अभी हमने ऑक्टा तक देख लिया था, एक मिनट इसे खुल रही है नहीं, एक मिनट वेट करिएगा। ऑक्टा तक हमने देख लिया था, अब हमें देखना था हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसके बाद फिर हम सारे कन्वर्जन्स देख लेंगे कि किस तरीके से कन्वर्ट चीजें हो रही है, ठीक है। अभी तक जितना बताया है समझ आया आप लोगों को? डाउट है कोई बताइए, फिर से बता दें क्लास। अभी तक जितना बताया है उसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, वरना फिर से बता दें। नो मैम। चलिए बस स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड पेज खोलने का है। देखिए आ रहा है आपको, दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है बेटा, अभी हमने बाइनरी देख लिया, डेसिमल देख लिया, ऑक्टा देख लिया, अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है? हेक्साडेसिमल आपका जिसका बेस 16 हो वो हम हेक्साडेसिमल कहते हैं। अब बेस 16 मींस क्या होता है कि इसमें 16 सिंबल्स होंगे। 16 सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद में जो 10 होता है उसको हम A लेते हैं, जो 11 होता है उसको हम B लेते हैं, जो C होता है वो हमारा 12 होता है, जो हमारा D है वो हमारा 13 है, और जो E है वो हमारा 14, और F जो है हमारा 15 है, ठीक है। जो हमारे 9 तक तो हम वही डेसिमल वाली वैल्यूज लेते हैं, बट A, B, C, D, E इनको हम 10, 11, 12, 13, 14, 15 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल्स आर दोज नंबर सिस्टम व्हिच कंटेन्स द बेस ऑफ 16, ठीक है। द नंबर ऑफ वैल्यूज अज्यूम बाय ईच डिजिट इज 16। अब जो हर एक की डिजिट हम बेस लेंगे वो 16 लेंगे। जैसे यहाँ पे इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, ये हम आपको बता चुके हैं। अगर इंटीजर पार्ट में हम देखेंगे तो 16 बेस भी मतलब की रेस टू द पावर 0 हो जाएगा, 16 रेस टू द पावर 1, 16 रेस टू द पावर 2, 16 रेस टू द पावर 3, 16 रेस टू द पावर 4 एंड 5, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है हमारे इंटीजर पार्ट। अब हमारे फ्रैक्शनल पार्ट कौन कौन से है? 16 रेस टू द पावर माइनस 1, 16 रेस टू द पावर माइनस 2, 16 रेस टू द पावर माइनस 3 एंड 16 रेस टू द पावर माइनस 4। ये क्या है हमारे फ्रैक्शनल पार्ट है। यहाँ तक समझ आए? यहाँ तक समझ आया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? आप देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, आज सबके हम कन्वर्जन्स देखेंगे कि अगर हमें कोई भी डिजिट, जैसे कि हमने यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम बताया है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हमें एक चीज तो हमें यहाँ पे पता चल गई है कि हमारे नंबर सिस्टम चार तरीके के होते हैं मेनली, जिन जो कि डेसिमल होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टा होता है, हेक्साडेसिमल। और ये भी हमें पता चल गया कि डेसिमल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, ऑक्टा क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी हमारा
नंबर है, डेसिमल में है, उसको हमें किसमें आदर्श में, मतलब या डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या डेसिमल को हमें ऑक्टा में कन्वर्ट करना है, या डेसिमल को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। इसके बाद में कोई अदर नंबर सिस्टम है उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अदर टू डेसिमल कैसे, जैसे कि कोई बाइनरी नंबर हमें दिया हुआ है उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या कोई ऑक्टा नंबर दे रखा है उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या तो कोई हेक्सा डेसिमल नंबर दे रखा है उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक आ रही है आवाज मेरी बेटा? यहाँ तक क्लियर है क्लास? यस सर। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में हम अब इसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं बेटा, ये हम देख लेंगे किस तरीके से हम इसको हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहले हम देख रहे हैं कि डेसिमल में है हमारा नंबर और उसको हमें किसी अदर में चेंज करना है। अदर में या तो बाइनरी में हम उसको चेंज करेंगे, या तो हम ऑक्टा में करेंगे, या तो हम हेक्साडेसिमल में। तो बाइनरी में अगर हम किसी नंबर को चेंज करते हैं, कोई हमारा डेसिमल नंबर है, तो कैसे करते हैं? तो इसके दो मेथड है। एक मेथड है, जैसे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है कि 12 को हम क्या करें, दो पार्ट्स में या 2 के पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमें पता है जो बाइनरी होता है उसका बेस क्या होता है, 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 को हमने 8 और 4 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब 8 हमें पता है, 8 क्या होता है, अगर 2 × 2 × 2 किया जाए तो वो क्या हो जाता है, 2³, और इसको हम 8 भी ले सकते हैं। तो 2 × 2 क्या हो गया, 4। 4 × 2 क्या हो गया, 8। तो ये हो गया 2 × 2 × 2 = 3। ठीक है, 2 × 2 × 2 तो हो गया 2³। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁻²। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, 2⁻²। ठीक है, क्योंकि 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। अब इसको ही हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है हमारे पास, जैसे 2³ में वैल्यू थी इससे इसको हमने 1 ले लिया, 2⁻²² में वैल्यू थी इसलिए इसको हमने 1 ले लिया, और बाकी जो हमारे 2⁻²² है और 2⁻²० है उसको हमने 0 से ले लिया। या तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, अगर किसी को आता हो तो ये शॉर्टकट मेथड है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सिंपली हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड हम किससे करेंगे, जैसे अगर हम 2, हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, हम ऑक्टा की बात कर रहे हैं तो हम किससे, 8 से डिवाइड करेंगे, अगर हम हेक्सा की बात कर रहे हैं तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। ठीक है, तो ये हमारा कोई नंबर है 12। अब 12 को हमें क्या करना है, 12 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। 12 को जब हम 2 से करेंगे तो 2 × 12 = 6 क्या आता है, 12 × 6 क्या होता है, 12 होता है, सॉरी 2 × 6 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, पर अभी हमारे पास में क्या है, रिमेनिंग कुछ बचा है, जो इसका ये जो आपका डिविजिबल पार्ट होता है इसको हम क्या करते हैं, जब तक ये 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको डिवाइड करते जाते हैं। अब हम यहाँ पे 6 ले लेंगे, 2 / 6 से तो क्या आ जाएगा, हमारा 3 जाता है, तो क्या हो जाएगा, 6 0 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 को फिर से हम कर देंगे, ठीक है, डिवाइड 2 से तो क्या हो जाएगा, 2³, क्योंकि 2 × 2 = 1 होता है, 2 × 2 = 1 होता है, तो हम क्या ले सकते हैं, 2 × 2 = 2 होता है, तो हम 3 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे 2 ले लिया तो यहाँ पे 1 हो गया, तो रिमेनिंग क्या, रिमाइंडर के बाद क्या बचा, 1 बचा। अब क्या है, इसके बाद में क्या है, 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ से लेंगे हम जो हमारी LSB होती है नीचे और LSB ऊपर, और जो MSB होती है, ये मैंने आपको बताया था ना, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है, तो हम यहाँ नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1100। तो अगर हम देखें कि 12 का बाइनरी नंबर क्या होता है, तो क्या होता है हमारा, 1100। ठीक है,
आप देखिए कोई डेसिमल नंबर है उसको हमें ऑक्टा में कन्वर्ट करना है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा डेसिमल नंबर को ऑक्टा में कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें हमने 2 से किया था तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो ऑक्टा का जो बेस होता है वो क्या होता है, 8 होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 8 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 8 3 24 होता है। तो 8 3 24 मतलब यहाँ पे हमने डिवाइड किया, 2 आ गया नीचे, फिर से 26 आ गया, तो फिर 24 मतलब यहाँ पे कितना बचा है रिमेनिंग, 33। अब ये जो 33 है यहाँ पे 2 के बाद तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो 2 क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब क्या है, फिर से हम 33 को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 33 आ रहा है, इसको भी हमें जीरो करना है ना। तो यहाँ पे 33 को फिर से हमने किया, तो आपको पता है 8 4 32 होता है, तो 8 4 32 होता है, तो फिर हमारे पास में 1 आ गया जो लीस्ट है, ये 8 से नहीं होगा डिवाइड, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा था, 4 बचा था, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 8 और 4 को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमें पता है 4 कुछ नहीं, 4 ही बचेगा। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हम नीचे MSB रख रहे हैं और ऊपर LSB रख रहे हैं, तो MSB क्या था हमारा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और LSB क्या था, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 412, क्या हो जाएगी, 412। अब देखिए फिर से हमने डेसिमल को हेक्सा डेसिमल में किया है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हम ऑक्टा में 8 से कर रहे थे या बाइनरी में 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो हम जो डेसिमल वैल्यू है उसको किससे करेंगे, 16 से। वही सिंपल मैथड, जब तक लिस्ट आ नहीं जाएगा उसको हम लिख देंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अभी आपको हमने बताया था हेक्सा डेसिमल में 9 तक जो वैल्यूज वही लिखते हैं, पर अगर 9 के बाद में जो वैल्यूज है, जैसे कि 10 को हम A प्रेजेंट कर रहे हैं, 11 को B, C को हम 12, 13 को हम B, ऐसे E और F, तो यहाँ पे क्या है, 15 है, तो 15 को हम क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ पे F लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे 1 आ गया, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1F2। यहाँ देखिए 1F2, ये हमारा हेक्साडेसिमल में होगा। समझ आया ये, यहाँ तक समझ आया? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ये हम किसी नंबर को डेसिमल से किसी अदर नंबर सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, तो ये तरीका है। अब देखिए, अब हमें किसी अदर नंबर को डेसिमल में चेंज करना है, मतलब वो बाइनरी भी हो सकता है, ऑक्टा भी हो सकता है, और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। अब हम इसको कैसे करते हैं, अब देखिए कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी का हमारा बेस क्या होता है, 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यूज हैं सारी, पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है, तो इंटीजर वैल्यू के लिए सारी पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। कैसे, जो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 raised to the power 5 लिखा था, तो 1 into 2 raised to the power 5 हो जाएगा। क्या आ रही वाइस फैक्टर, क्या आ रही है, क्लियर नहीं आ रही मैम, आ रही है, अब आ रही है क्लियर? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अदर्स को बाइनरी, अदर्स को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अदर्स को डेसिमल में कन्वर्ट मतलब बाइनरी कोई नंबर होगा या ऑक्टा होगा या हेक्सा डेसिमल। अब हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि बाइनरी है मतलब 2 बेस होगा, ऑक्टा है तो उसका 8 बेस होगा, और हेक्सा डेसिमल है तो उसका 16 बेस होगा। अब ये कोई बाइनरी नंबर दे रखा है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि इसका बेस क्या है, 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने ये देख लिया कि ये इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, तो हम इंटीजर वैल्यू को ही यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे बेस लिख लेते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पीछे से हम चलेंगे, यहाँ पे हमारा 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5। ठीक है, तो यहाँ 0 से 5 2 raised to the power के टर्म्स में 2 की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पे हमने 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 4, 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 3, 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2, 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 एंड 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 0, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, जहाँ जो जो जीरो था वो तो जीरो ही हो जाएगा, जहाँ पे वैल्यू है जैसे 2 रेज टू द पावर 5 कितना होता है 32 होता है, 2 रेज टू द पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 2 रेज टू द पावर 2 कितना होता है 4 होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्योंकि 2 रेज टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आता है। इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इनको ऐड करके जो वैल्यू आएगी ये हमारा क्या है, डेसिमल सिस्टम। अब देखिए, अब हमें मैम वॉइस नहीं आ रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है बेटा, थोड़ी सिग्नल प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से बारिश की वजह से, इसीलिए वॉइस क्लियर नहीं आ रही, पर हो सकता है एक बार आप मतलब ऑफलाइन होके फिर से ऑनलाइन होइए, मतलब इसमें फिर से कनेक्ट होइए, मे भी हो सकता है आपके पास से सिग्नल नहीं आ रहा। और बच्चों को सुनाई दे रहा है, जन्नत, शाह, अंकित, और सबको तो आ रही है, आपके नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बारिश की वजह से, ठीक है बेटा। स्क्रीन में दिख रही है चीजें तो दिख रही होंगी ना, स्क्रीन तो दिख रही होगी, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है ये बताओ, दिख रही है स्क्रीन, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आदर्श टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आदर्श टू डेसिमल में हम यहाँ पे हमने बाइनरी देख लिया, ऑक्टा में क्या हो जाएगा, ऑक्टा में कुछ नहीं, उसी तरीके से जैसे बाइनरी में किया था, तो यहाँ पे बेस क्या है 8 है, तो यहाँ पे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं 8 रेज टू द पावर, और हमने यहाँ पे देखा ये इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4 के नीचे 8 रेज टू द पावर 0, 8 रेज टू द पावर 1, 8 रेज टू द पावर 2, 8 रेज टू द पावर 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 8 रेज टू द पावर 2, 5 इंटू 8 रेज टू द पावर 1, 4 इंटू 8 रेज टू द पावर 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी 1132, ये जो है ये हमारा क्या हुआ, ऑक्टा से डेसिमल कन्वर्ट हो गया। अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमारी पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसको आपको हम बता चुके हैं, उसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू कहते हैं। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू है तो जो अगर हम 16 ले रहे हैं तो 16 क्या हो जाएगी, अगर 16 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, रेज टू द पावर माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 1, 16 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.0664025, ठीक है, ये हमारा डेसिमल। अब आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, कैसे हम डेसिमल से अदर्स और अदर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है जन्नत, विशाल, अंकित, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, यहाँ तक क्लियर है, यस मैम, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बाइनरी टू अदर्स और अदर्स टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी टू अदर्स, तो बाइनरी टू अदर मीन्स बाइनरी को हम या तो डेसिमल में या तो ऑक्टा में या तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। अब बाइनरी को डेसिमल में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, यहाँ देखिए बाइनरी को हेक्सा में हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1011 जो वैल्यू है, पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बेस बनाएंगे, तो 2 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3, तो अभी हम यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 2, 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 एंड 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 0। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास में आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 11 आ जाएगा। तो हमने देखा कि ये कोई बाइनरी नंबर है, उसको हम हेक्सा में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बाइनरी का कोई नंबर दे रखा है, उसको ऑक्टा में कन्वर्ट करना है, तो
तो मैंने आपको जैसा बताया था ऊपर हमने लिखा था जब हम ऑक्टा की बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए ऑक्टा में यहाँ पे हमने पहले से लिख दिया था कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनमें से कोई भी वैल्यू होगी उसको हम बाइनरी में डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि 1 को हम 001, 2 को हम 010, ठीक है, 3 को हम 011, 4 को हम 100, इस तरीके से हम लिख सकते थे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 1011। पहले तो हमें इसको तीन के पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ पे तीन पेयर बनानी है, कौन सा 011, ये हमारा तीन पेयर बन गया। यहाँ पे सिर्फ वन बचा, वन के आगे हम 00 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लगा दिया 001, ठीक है। अब हमें पता है 001 किसकी वैल्यू होती है, 1 की बाइनरी में, और 011 किसकी होती है, 3 की। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 011 जो है वैल्यू 1 की है, 3 की वैल्यू क्या हमारी 011, ठीक है, 1 की वैल्यू क्या है 001, यहाँ पे पुट कर दी, ये देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा। अब हेक्साडेसिमल में भी वैसे ही होता है, हेक्साडेसिमल में हम चार चार के पेयर्स ले लेते हैं। इसको और इजी सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, 8421, 8421, ठीक है, तो 8421 हम जब इसमें रखेंगे तो 8421 की वैल्यूज जो होंगी वो हम डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे नंबर दे रखा है 1011, तो इसको 1011 को हम यहाँ पे देखिए 8 लिख दीजिए, इसके ऊपर लिख दीजिए 8421। आप देखिए 8421 हमने इसके ऊपर लिखा तो 8 की जगह 1 है, मतलब 8 होगा प्लस 0, 4 की जगह तो 4 नहीं होगा, तो 8 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा 8 + 2 + 1, तो ये कितना होता है 11। 11 हमें पता है क्या होता है, बी, तो हम ये डायरेक्ट यहाँ पे बी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड जो प्रॉब्लम है, सेकेंड प्रॉब्लम में इन्होंने क्या किया है, 0011 यहाँ पे देखिए 110011.111। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है जो वैल्यू पॉइंट के राइट हैंड साइड है उसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू कहते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम इंटीजर वैल्यू कहते हैं। अब इंटीजर वैल्यू को हम बना लेंगे चार चार के पेयर में, तो चार के पेयर में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार हम बिट्स ले लेते हैं तो क्या हो जाएगी 1100 यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे चार की पेयर नहीं बन पाएगी, दो ही है, तो यहाँ पे 0000 लगाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 0011 ये भी आ गया। अब यहाँ पे क्या है 111 है, तो 111 नहीं, यहाँ पे हमें चार डिजिट चाहिए होगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा डेसिमल है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1110, ठीक है। अब क्या है, हमें पता है 0011 क्या होता था, 3 है, 0011 3 होता है, तो यहाँ पे हमने 3 कर दिया, ये कैसे आया 8421, यहाँ पे लिख लीजिए 8421, तो 8421 जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो 8 की जगह पे 0 है, 4 की जगह पे भी 0 है, और 3 कैसे आया है 21 क्या है 3, तो यहाँ डायरेक्टली 3 आ गया, ठीक है। तो ये इजीली इजीएस्ट मेथड होता है किसी भी हेक्साडेसिमल को फाइंड करने का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ है yes, किसी को बता, ठीक है। अब देखिए अब हम देखते हैं आदर्श को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आदर्श को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई हमारा हमारा बाइनरी नंबर है उसको हमें डेसिमल नंबर है उसको हमें बाइनरी में, तो सिंपल हम क्या करते हैं यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दीजिए यहाँ 2 को हमने 12 यहाँ पे 12 लिख दिया, फिर से हमने 2 को किया 6 आ गया 0 रिमाइंडर, फिर से 2 से किया 3 आ गया 0 रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा 1 में, तो 1100 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू में कुछ नहीं करते हम इंटू कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो जैसे कि इस वैल्यू को हमने 2 से इंटू किया तो क्या आ जाएगा हमारा 0.625। अब ये 0.625 को हम फिर से हम 2 से इंटू कर देंगे, क्या वैल्यू आ गई 1.25। अब ये जो 2.1.2 मतलब जो फ्रैक्शनल वैल्यू है इसको फिर से 2
सेम टू कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 0.50। ठीक है, फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर, मतलब जो 0.50 आया है इसको 2 से इंटू कर देंगे, फिर से इंटू करेंगे तो हमारे पास में 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.0101। ठीक है, इस तरीके से हम डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर दिया। ऑक्टा को तो हम डायरेक्ट बाइनरी में लिख सकते हैं, हमने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन बताया ही है कैसे बाइनरी को, इसमें क्या नंबर दे रखा है, इसमें नंबर दे रखा है 3712। टी की क्या वैल्यू हो जाएगी 011। देखिए टी की वैल्यू क्या होती है 011, यहाँ पे पुट कर दी 011। 7 सबसे लास्ट होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 111। 1 क्या है 001, 2 क्या है 010, हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल भी मैंने आपको बताया 8421 से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कोई वैल्यू है हमारी 10AE, AE हमें पता है A क्या होता है हमारा 10 और E क्या होता है हमारा 14, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे 1 है तो 1 क्या हो जाएगा 0001, 0 तो 0 ट्रिपल 0, 4 बार 0 हम लिख देंगे, A क्या होता है 10 होता है, तो अब 10 कैसे 8421, अब हम क्या कर रहे हैं 8421, अब हम क्या कर रहे हैं इसको हमें 10 बनाना है, तो 8 प्लस 4 को 0 कर दे, 2 को 1 ले ले, तो 1010 आ जाएगा। ई क्या है हमारा, ई हमारा होता है 14, तो हमें 14 बनाना है, तो 14 कैसे हो जाएगा 8 1 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1110। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऐसे निकलना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, डाउट है तो बताइए कि ओवरफ्लो हो रहा है। मैम लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमें कोई हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना होता है, तो हेक्साडेसिमल को इजीली सॉल्व करने के लिए हम कोई भी नंबर होगा उसको हम क्या करते हैं 8421 वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे, इसको हम आपको करके भी दिखा देते हैं, क्या मैं कहना चाह रही हूँ। आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है बेटा? नो मैम। ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा? ब्लैकबोर्ड दिख रहा है? कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर हमारा क्या है 8108E, ये हमारा कोई हेक्साडेसिमल नंबर है। ब्लैकबोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताइए। मैम नहीं दिख रहा है। मानसी? यस मैम दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा मैम। दिख रहा है? देखिए, ये कोई हमारा नंबर है हेक्साडेसिमल, इसको हमें क्या बनाना है, बाइनरी नंबर बनाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हमारा सिंपल मेथड होता है 8421। ठीक है, ये एक पैटर्न होता है जिससे कि हम बाइनरी नंबर इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि इस नंबर से हमें यहाँ पर 1 पहले 1 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 की बाइनरी नंबर में जो डिजिट होगी वो क्या हो जाएगी 0001। ठीक है, यहाँ पर आप 0 को क्या लेते हैं, हम लोग 0 को हम 000 से भी लेते हैं। आप हमें पता है ए जो होता है, ए हमारा क्या होता है 10 होता है। ठीक है, 9 तक हम उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं हेक्साडेसिमल को, तो अगर ए होगा उसकी वैल्यू 10 होगी, बी होगा उसकी वैल्यू 11 होगी, सी होगा उसकी वैल्यू 12 होगी, डी होगा उसकी वैल्यू 13 होगी, ई होगा उसकी वैल्यू हमारी 14 होगी, एफ होगा तो उसकी वैल्यू हमारी 15 होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 10। ठीक है, अब हम 10 कैसे बनाएंगे, 8 और 2, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 1 प्लस 3 है, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 क्या होता है
हमारा 10 हो जाता है, तो 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए की जगह पे 1 रख दिया, ये 0 हो गया, 2 की जगह 1 रख दिया, 1 भी 0 हो गया। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे, 8, ये तो 0 ही हो गया ना, तो 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा? हमारा 10 हो जाता है। तो ये ए की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 0 1 0, ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी। अब b की वैल्यू कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है हमारी, 14 है। b की वैल्यू क्या है हमारी, 14 है। अब यहाँ पे हमें 14 बनाना है, तो 14 हम कैसे बनाएंगे? 8 + 4 + 2 कितना होता है? 14 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 1 1 0। तो अगर हमें यहाँ पे बाइनरी में लिखना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस एक्सप्रेशन को हमें बाइनरी में लिखना, तो क्या हो जाएगी, 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0, ये इसकी जो वैल्यू होगी ये बाइनरी में होगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? आप क्लियर हुआ? यस मैम। हेक्साडेसिमल को बाइनरी हम कैसे कर रहे हैं? ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो हम ब्लैक बोर्ड में भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आज हमने बाइनरी और बाइनरी देख लिया और डेसिमल देख लिया। अब नेक्स्ट टर्न में हम ऑक्टा किस तरीके से आदर्श में कन्वर्ट होता है, आदर्श कैसे ऑक्टा में कन्वर्ट होता है, हेक्साडेसिमल कैसे आदर्श में कन्वर्ट होता है, और आदर्श कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होता है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? वरना बहुत ओवरफ्लो हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद में इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लगाएंगे नेक्स्ट टर्न में। ऐसा कोई बच्चा जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई हो, ऐसा कोई बच्चा जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई हो प्लीज बता दो चैट बॉक्स में लिखकर। मैम इसकी पीडीएफ कहाँ पे सेंड करेंगे आप? पीडीएफ बेटा आप लोगों का कोई हमारा क्लासरूम तो बनाया नहीं है हमने, तो आपकी जो मैं पीडीएफ जो आपको सेंड करूंगी वो मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। इंट्रोडक्शन जो मैंने पढ़ाया था वो वाला भी पार्ट, और जो अभी हमने आपको पढ़ाया है वो भी हम आपको सेंड कर दे रहे। ठीक है, तो व्हाट्सएप से आप अपना सब लोग पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर? ठीक है बेटा। यस मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा।